एक्शन थ्रिलर है और 7 घंटे के अंदर, हालांकि पूरे 7 घंटे से थोड़ा आगे पीछे की भी कहानी है उसमें, लेकिन हाँ जो बेसिक फिल्म जो है वो 7 घंटे के ऊपर बेस्ड है। एक पुलिस वाला है जो कि निलंबित हो चुका है अपनी नौकरी से, और उसने जो है हाईकोर्ट में 7 हॉस्टेजेस रखे हुए हैं, और उसको जो है वो जस्टिस डिमांड कर रहा है, और नंदिनी शुक्ला करके एक इंस्पेक्टर है, एसीपी है राजा, जिनको कि वो बुलाता है केस को सॉल्व करने के लिए, और उसकी मांग ये है कि अगर 7 घंटे के अंदर केस नहीं सॉल्व हुआ तो वो एक एक हॉस्टेज को 1 घंटे के हिसाब से मारता चला जाएगा। तो उसके बाद कहानी कहाँ जाती है, क्या खुलती है, वही पूरा का पूरा ताना बाना जो है वो 7 आस्टू है। मैं पुलिस वाले का रोल कर रहा हूँ जो कि इस केस को सॉल्व करने में लगा हुआ है, और उसके अलावा काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं जिनके बारे में अगर बात करूँगा तो पूरी कहानी खुल जाएगी, लेकिन हाँ फिलहाल ये है कि पुलिस वाले का रोल है। I'm playing a love interest of Arjun, who is played by Shiv Pandit, and stop. And I can see that this whole hostage thing happens, and happens because of me, begins and ends. And in the movie, media has called Arjun as angry Arjun, and because I'm the calm one, so I bring this calmness in his life. And there is a twist in the movie which I obviously can't reveal. You have to go and watch it. And stop. ये बहुत बहुत बोलती है लड़की, बहुत बोलती है, इसको प्लीज इतना बोलने मत दीजिए आप। जा पूना में शूट हुई थी तो क्या घूमते, मतलब पूना घूमा हुआ था ही था, लेकिन हमेशा आउटडोर में जो है ना एक इत्मीनान रहता है, घर जाने की जल्दी नहीं होती, आपको मालूम है कि आप शूटिंग खत्म करके होटल में जाने वाले हैं। पूना में शूट हुई और बम्बई में शूट हुई। नहीं, एक्सपीरियंस जो है ना फिल्म करने का हमेशा थोड़ा अलग होता ही है, और किसी टीवी करने वाले से पूछा एक्सपीरियंस कैसा रहा तो उसके लिए तो अच्छा ही रहेगा, मतलब दिन में 12 घंटे की शिफ्ट करने वालों के हो आप अगर फिल्म की बात पूछेंगे, लेकिन हाँ ये है कि कम से कम जब पूरी यूनिट एक सिंक में होती है, जब सब पे सब एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए साथ में काम कर रहे होते हैं तो एक्सपीरियंस अच्छा ही रहता है हमेशा। I had an amazing experience, and actually this movie was completely different what I used to do, and I had fun, and I've done lots of stunts also, and bina harness ke kudi hai 25 without harness kam na samjhe na, so it was fun and I enjoy doing it. नहीं नहीं, एक्टिंग करनी पड़े तो दोनों ही टफ है, क्योंकि एक्टिंग करना अपने आप में जो है लोगों को लगता है बड़ा आसान काम है, चाहो वो डायलॉग बोल दो, उतना आसान काम होता नहीं है, और मेहनत आपको दोनों में करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप एक्टिंग बुरी करेंगे तो ना फिल्म चलेगी ना टीवी चलेगा। Preparation, I didn't have actually. I'm the one who just like when they say action, I have to do it, and I don't think too much. And which for action I haven't done any preparation. Yeah, because I don't think your character required that kind of preparation anyhow. Sandeepa actually had it because. Yeah, Sandeepa का जो character है वो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से preparation की ज़रूरत जो है वो उनको लगी होगी, क्योंकि एक तो ऑर्थोबैक कैरेक्टर्स के साथ ही होता है कि भाई आप अपने कैरेक्टर को जस्टिफाई करने के लिए यू हैव टू गो दैट एक्स्ट्रा माइल, मतलब हर एक कैरेक्टर के लिए मेहनत लगती है, लेकिन हाँ कुछ एक होते हैं जो कि थोड़ा ज़्यादा डिमांड करते हैं, तो आई थिंक यू राइट, मतलब यू रियली डिडंट हैव टू प्रिपेयर माय सेल्फ दैट मच एज शी हैज। बहुत अच्छी बात है, ऐसा पहले ही हो जाना चाहिए था। नहीं, ये सेंसर बोर्ड नहीं, ये तो हाई कोर्ट ने किया है। हाँ, तो सेंसर बोर्ड ने तो वो किया था जो कि पहले किया था, और वो नहीं होने दिया हाई कोर्ट ने। मेरे ख्याल से मोरल पुलिसिंग जो है वो मोरल पुलिसिंग बंद होनी चाहिए। आजकल हिंदुस्तान की जनता है वैसे भी अपने आप में प्रबुद्ध है, जानती है कि उसको क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, और ये डिसीजन जो है हमेशा लोगों के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए, बजाय इसके कि 5 लोग एक कमरे में बैठ के तय करें कि अच्छा हमें सोसाइटी को क्या देखने देना है और क्या नहीं देखने देना है।
उससे कहीं ज़्यादा मवाद जो है वो सोसाइटी में फैला हुआ है, मेरे ख्याल से उसके बारे में सोचे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। प्लीज़ 24 तारीख को जाएं, हमारी पिक्चर ज़रूर देखें, आपसे आग्रह है, और आप फिल्म देखेंगे आपको मज़ा ज़रूर आएगा, सो प्लीज़ गो एंड वॉच इट ऑन द 24th of June। एंड इफ यू हैवंट सीन द ट्रेलर येट, सो प्लीज़ गो ऑन YouTube एंड वॉच इट। उसके बाद पिक्चर भी देख लेना, गेमिंग ट्रेलर देख। चलो चलो जल्दी। दोनों है, मेक इट फ्रैंक एंड रोमांटिक। पाउटिंग वाला है, ज़ूलैंडर। पाउट पाउट नताशा पाउट। सीरियस। ओके 1 2 3 1 पाउट। Why don't you pose like the poster?